हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपको कैटेगरी से नेक्स्ट फीचर कराऊंगी इन्वेंट्री में। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो भेजी है वो मैंने कैटेगरी की मैंने अपलोड की है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम फीचर करेंगे, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर कौन सा है। यहाँ पे हमें सबसे पहले करना है F11 प्रेस करती हूँ, या उसके बाद इन्वेंट्री फीचर्स, उसके बाद आपने यहाँ पे कैटेगरी तक हमने कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है मेंटेन बैच वाइज डिटेल, उसको आपने यस करना है। उसके बाद नेक्स्ट है यूज एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस, इसको भी यस कर देंगे। बैच वाइज डिटेल हम यूज इसलिए करते हैं कि अगर हमें किसी भी स्टॉक की डिटेल्स बैच वाइज रखनी है कि कौन से बैच में हमारा कौन सा सामान आया है, ठीक है, और वो जो हमारे पास वो सामान आया है बैच में उसकी एक्सपायरी डेट कब है, अगर आप वो एक्सपायरी डेट की डिटेल्स भी रखना चाहते हैं तो उसके लिए ये फीचर होता है और उसको हम यस करके यूज कर सकते हैं। इस फीचर को मैंने अनेबल कर दिया और उसके बाद आपने कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आपको वो आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी जिसको आपने एक्सपायरी डेट देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आइटम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो पे एंटर करूंगी, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक आइटम पे एंटर किया और यहाँ पे क्रिएट किया। क्रिएट करूंगी मैं यहाँ पे एक आइटम, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले ली है टोमेटो सॉस। यहाँ मैंने यूनिट्स में ले लिया कि आपने जो ये टोमेटो सॉस है वो आप कैसे परचेज करोगे, तो ऑल प्लस सी करके मैंने यहाँ बॉटल्स में इसको परचेज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंबल में जो है मैं इसको बॉटल्स ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं फुल नेम ले लेती हूँ, ठीक है। आपने अब देखिए यहाँ पे जब मैं इस फीचर को यस करके आऊंगी तो जब आप कोई भी आइटम बनाएंगे तो आपके पास ये मेंटेन इन बैचेस का ऑप्शन पूछेगा कि आपने इस आइटम के लिए बैच वाइज डिटेल को यूज करना है या नहीं करना, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आएगा ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि अगर आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी मैंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये ऑप्शन यस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यूज एक्सपायरी डेट्स, अगर आपको एक्सपायरी डेट्स भी मैंशन करनी है तो उसके लिए आप इसको यस कर देंगे, ठीक है। तो ये तीनों फीचर्स जो हैं हमारे बैच वाइज डिटेल के ऑप्शन के लिए यस करने जो हैं वो जरूरी होते हैं, ठीक है। इनको यस करके आपने एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम टोमेटो सॉस की बॉटल्स को परचेज करेंगे, जब हम परचेज करेंगे तो हमसे वो पूछेगा कि आपने इसकी एक्सपायरी डेट क्या देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं F9 परचेज वाउचर में, ठीक है। आपने यहाँ पे परचेज वाउचर पे आना है, यहाँ पे मैं पार्टी नेम ले लिया जिससे भी मैंने परचेज करना हो, तो यहाँ पे मेरे पास उमेश एंड कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं यहाँ पे कस्टमर का नेम उमेश एंड कंपनी ले लेती हूँ। परचेज लेजर में मैं यहाँ पे परचेज का लेजर दोबारा से एक बारी बना लेती हूँ, इसको अंडर मैंने परचेज अकाउंट ले लिया और यहाँ पे देखिए मैंने परचेज अकाउंट ले लिया परचेज लेजर में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टोमेटो सॉस की बॉटल्स ये ले ली। अब देखिए मैंने टोमेटो सॉस आइटम पिक करी तो मैंने उसमें बैच वाइज डिटेल के ऑप्शन को ऑलरेडी यस कर रखा है, तो इस वजह से वो यहाँ पे हमसे बैच की डिटेल्स पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे न्यू नंबर पे आपने एंटर करना है, यहाँ पे आपने उसके बैच का नंबर देना है कि ये जो बॉटल्स हैं ये किस बैच में आई है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने बैच नंबर जो है वो ले लिया PL101, ठीक है। तो हम कुछ भी ले सकते हैं बैच नंबर, क्वांटिटी आपने लेनी है, यहाँ पे आप क्वांटिटी ले लो, कितनी बॉटल्स आपने परचेज की है, रेट ले लो कि आपने पर बॉटल का रेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 1200 रुपीज बन गए। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग डेट, यहाँ पे अप्रैल 2017 ऑलरेडी आ रहा है। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट पहले की भी मेंशन करनी है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट आपने इसके लिए जो भी देनी है वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दे दी 2 दिसंबर 2017, इसकी जो है मैंने एक्सपायरी डेट दे दी। तो यहाँ पे देखिए 2 दिसंबर 2017 इसकी एक्सपायरी डेट आ गई। ऐसे आपने अलग अलग आइटम्स लेनी है तो आप जितनी मर्जी यहाँ पे आइटम्स ले लो, उस पर बैच वाइज डिटेल को यस कर लो और उसमें बैच वाइज को मेंशन कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सारी आइटम्स, जितनी भी आइटम्स पे मैंने एक्सपायरी आइटम डेट्स लगा रखी हैं, उनको मैं चेक कर पाऊँ कि कौन सी आइटम मेरी कब एक्सपायर्ड होने वाली है। तो आपको चेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है डिस्प्ले पे, उसके बाद यहाँ पे आपको आना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री,
नहीं सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री नहीं, आपने यहाँ पे आना है इन्वेंट्री बुक्स पे। इन्वेंट्री बुक्स पे आप एंटर करेंगे और यहाँ पे आपने बैच पे आना है। बैच पे आके आपने नेम ऑफ आइटम लेनी है कि आपने कौन सी आइटम देखनी है, किसकी आपने एक्सपायरी डेट देखनी है। यहाँ पे आपने आइटम ले ली, नेम ऑफ बैच, कौन से बैच की आइटम थी, इस वाले बैच की आइटम थी, मैंने एंटर किया। तो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल आ रही है कि इनवर्ड जो आपने 20 बॉटल्स परचेज की है वो ऊपर एक्सपायरी डेट यहाँ पे मेंशन हो रही है 2nd of December 2017। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी 2nd December 2017 जो है इसकी एक्सपायरी आइटम्स आ रही है। ऐसे हमें अपनी सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी एक्सपायरी डेट्स मेंशन हो जाती हैं। और अगर हम चाहें कि एक्सपायरी डेट से पहले हमें उनको सेल करना है, तो आप उसको स्कीम में लगा के या आप उसको सेल पे लगा के भी जल्दी से जल्दी सेल कर सकते हैं। और अगर कुछ आइटम्स आपकी एक्सपायर्ड हो जाती हैं, सेल नहीं हो पाती, तो आप उसको वापस भी करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे हम एक्सपायरी जो है डिटेल्स रख सकते हैं अपने सारे स्टॉक की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।